आइए सीखते हैं कॉम्बिनेशन मेथड से रेक्टेंगल निकालना। तो सबसे पहले जो फिगर दिया है उसमें आपको देखना है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कितना है। जैसे इस फिगर में 1, 2, 3, 4, 5 फाइव हॉरिजॉन्टल और 1, 2, 3, 4, 5 फाइव वर्टिकल लाइन है। आपको पता है एक आयत बनाने के लिए हमें 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत होती है। हमारे पास टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन है कितना, 5, और आयत बनाने के लिए चाहिए कितना, 2। 5 में से 2 आप कॉम्बिनेशन में जानते हैं कि अगर 5 टोटल है और सेलेक्ट करना है 2 को तो उसके लिए लिखते हैं 5C2। अभी तो आयत बना नहीं है, आयत बनाने के लिए अभी वर्टिकल लाइन भी 2 सेलेक्ट करना होगा। वर्टिकल हमारे पास कितना है, 5, चाहिए कितना, 2, तो 5C2। जब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिल जाएगा तब आयत बनेगा, इसलिए बीच में क्या गुना। अब ये 5C2 को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो आपको पता होगा कॉम्बिनेशन में कि इसको अगर सॉल्व करना है तो भाई नीचे 2 है तो ऊपर ऊपर वाले को 2 बार लिखेंगे, नीचे 3 रहता तो ऊपर वाले को 3 बार घटते क्रम में लिखते और नीचे वाले को 2 से लेकर कहां तक 1 तक, यानी जहां से रहेगा वहां से वहां तक। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 10, यानी 5C2 का वैल्यू कितना आएगा, 10, और फिर अगेन 5C2 का वैल्यू कितना आएगा बाबू, 10, और ये 10 × 10 कितना हो जाएगा, यानी 100 आयत हो जाएगा। तो इस प्रकार अभी तक आपको ये नहीं पता था कि कॉम्बिनेशन मेथड से भी आयत सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशन मेथड का यूज करके आयत को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के शानदार ट्रिक्स और मेथड को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।